गोभक्तों ने नगर परिषद के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। गोभक्त पंडित हिमांशु शर्मा ने बताया कि नगर परिषद आयुक्त द्वारा गोवंश को चारा रोटी खिलाने वाले व्यापारी को ऐसा न करने के विरोध में शहर के सभी गोभक्तों द्वारा सूचना केंद्र पर मानव श्रृंखला बनाकर नगर परिषद आयुक्त व सभापति का विरोध किया गया। साथ ही गोवंश को सूचना केंद्र पर चारा डालते हुए परिषद से मांग की गई कि सड़कों पर घूमती गोमाता को सुव्यवस्थित जगह पर पहुंचाकर उनके चारे पानी की व्यवस्था करे। शहर को वे गोवंश को दुर्घटना से बचाने के सरकारी जमीन पर परिषद द्वारा गौशाला का निर्माण करें। शहर में लगे कचरे के ढेरों से बीमारियां फैलती हैं, उनके शहर से बाहर निस्तारण की योजना बनाएं ताकि गोवंश प्लास्टिक थैलियां खाने से मरे नहीं। गो चिकित्सालय को पूर्ण सुविधा युक्त करें। काइन हाउस में पूर्ण सुविधा के साथ गोवंश के स्थायी निवास वे चारे पानी की व्यवस्था करें। गो संवर्धन के नाम से प्राप्त संपूर्ण सरकारी अनुदान को गोवंश पर खर्च करें। विरोध कार्यक्रम का नेतृत्व शंभु वैष्णव, दिव्यांशु दादीज, अखिलेश, शुभम शर्मा, विकास कुमावत, ओम गुजर, ललित भाटी, ओम साई राम, अभिषेक सैन, प्रमोद तिवारी, विकास लखारा, मोनू माली, मनीष शर्मा, गौरव जिंगर, सोनू गौड़, करण अनुराग शर्मा, हर्षित शर्मा, दीपेश शर्मा, कुलदीप शर्मा, अर्पित समदानी सहित प्रमुख युवाओं ने भाग लिया। वे मांगे न मानने पर आंदोलन का रूख अपनाने की बात भी कही। आज हम समस्त युवा शक्ति मानव श्रृंखला बनाकर नगर परिषद का विरोध करने यहाँ आए हैं। नगर परिषद ने जो विगत दिनों में एक व्यापारी को नोटिस भेजा कि वो गायों को सड़क पर चारा और पानी डालने की व्यवस्था को बंद करें, मैं नगर परिषद से पूछना चाहता हूं कि न तो आप गायों के रहने खाने की चारा पानी की व्यवस्था करते हैं, और अगर जनता में से कोई गोभक्त आकर उनके चारा पानी की व्यवस्था करना चाहता है तो आप उनको धमकाने के लिए, डराने के लिए उनको नोटिस जारी करते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ, ये पूछना चाहता हूँ, गो संवर्धन के नाम से जो आप अनुदान उठा रहे हैं उसका क्या हो रहा है? काइन हाउस में आपने गायों के रहने के लिए जो व्यवस्था की है उसमें कितनी गायें रह रही है? अगर शहर में गायें भटक रही है उसका जिम्मेदार आप हैं। शहर में दुर्घटनाएं हो रही है उसके जिम्मेदार भी आप हैं। शहर में अतिक्रमण बढ़ रहा है, कचरा बढ़ रहा है, कचरे के ढेर पड़े हैं, वहाँ गायें मुंह मार रही है, थैलियां खा रही है, मर रही है, उसके जिम्मेदार भी आप हैं। पहले अपनी व्यवस्थाएं सुधारें, उसके बाद जनता को टोकना शुरू करें। मैं आपसे मांग करने आया हूँ, नगर परिषद के आयुक्त मैडम ने जो ये नोटिस जारी किया, सबसे पहले तो हम उनके खिलाफ में यहाँ आए हैं। साथ ही हम नगर परिषद के सभापति महोदय को भी चेतावनी देने आए हैं कि ये आपकी जानकारी के बिना नहीं हो सकता है, ये आप दोनों की मिलीभगत से होता है, उसके लिए आप दोनों जिम्मेदार हैं। इस घटना के द्वारा एक सवाल आम जनता पूछती है कि हमारी कथनी करनी में इतना अंतर क्यों? जो गौ सेवा और जो गौ माता हम सबके लिए पूजनीय है, वहाँ आपके आयुक्त के द्वारा एक नोटिस जारी करके गौ सेवकों को किसी न किसी रूप में मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है। मेरा आयुक्त महोदय और सभापति जी से एक सवाल है आम जनता के द्वारा कि गौ माता को आप नहीं मानते हो, इस गौ माता के नाम से और वादे से अगर आपने मत नहीं लिए हैं तो मेरे को ये लगता है कुर्सी आपको छोड़ देनी चाहिए और इस आयुक्त का विरोध करना चाहिए।